हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन हमारा क्या है? हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1819। ठीक है, जो उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कब पब्लिश्ड हुई थी? 1819 में। डेफिनेशन क्या है उसका? पॉलिटिकल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद इन द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विस्टिक्स ऑफ वेलबींग। ठीक है, जो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में लिखी थी, इसने क्या इन्होंने क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो एक अपनी पूरी लाइफ चलाने के लिए, एक ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, मतलब एक ऑर्डिनरी जो सिंपल लाइफ होती है उसको चलाने के लिए वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है, सोशल एक्शन या उसके इंडिविजुअल एक्शंस होते हैं, जो भी वो मटेरियल रिक्विस्टिक्स ऑफ वेलबींग का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान जुटाने के लिए, वो इन चीज़ों को लेने के लिए, इन चीज़ों से डील करने के लिए वो एक क्या एक्शन लेता है, सोशल एक्शन या उसके इंडिविजुअल एक्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन्होंने ये बोला है। और जो एडम स्मिथ की हमारी थ्योरी थी, वो उन्होंने सिर्फ वेल्थ पे ही क्या किया था, फोकस किया था, लेकिन इन्होंने वेल्थ को सेकंड नंबर पे रखा है और वेलफेयर को पहले नंबर पे रखा है। ठीक है, कि एक मैन का वेलफेयर कैसे हो सकता है और वो एक अपने वेलफेयर के लिए क्या क्या करता है, एक उसकी ऑर्डिनरी लाइफ को इन्होंने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अपने बुक में यही बोला था इन्होंने। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और जिसको हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्शल्स डेफिनेशन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स डील विथ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ वेल्थ जनरेशन एंड वेल्थ स्पेंडिंग। ठीक है, इनकी जो मार्शल्स की डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है और क्लियर है। उन्होंने आराम से यही बोला है कि इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, एक ह्यूमन एक्टिविटी, जो वेल्थ जनरेशन, वो एक पैसा कमाने से लेके एक पैसा खर्च करने तक के लिए वो क्या करता है, वो कौन से काम करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ना कि पैसे को स्टडी करते हैं। ठीक है, ना कि वेल्थ को। दूसरा है हमारा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज मैन नॉट वेल्थ। ठीक है, इन्होंने सब्जेक्ट मैटर क्या दिया है? पहले इन्होंने फोकस मैन पे किया है, वेल्थ पे नहीं किया, ठीक है, पैसों पे नहीं किया है। इन्होंने इकोनॉमिक्स का मेन फैक्टर मैन को बताया है, पैसे को नहीं, वेल्थ को नहीं। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी मैनकाइंड नॉट द वेल्थ। ठीक है, इन्होंने अपने इस डेफिनेशन में बताया है कि हमें इकोनॉमिक्स में एक इंसान को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, मैन की एक्टिविटीज को पढ़ना जरूरी है, ना कि वेल्थ, पैसे को पढ़ना जरूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन वेलफेयर, उनके वेलफेयर के बारे में पढ़ना, उन्होंने पैसे कमाने से लेके पैसे खर्च करने तक के लिए क्या क्या काम किए हैं और उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। तीसरा है हमारा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऑर्डिनरी, वो एक नॉर्मल दिनचर्या, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो क्या करता है, हमें उसको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इंक्लूड दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स में हमें एक ऑर्डिनरी बिजनेस, जो वो एक प्रोडक्शन करता है, कंज्यूम करता है, एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन सब की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ना कि वेल्थ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इसमें बोला गया एक मटेरियल वेलफेयर को इसमें क्या होता है, ये उसी का साइंस है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट स्टडीज दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विस्टिक्स ऑफ वेलबींग। मटेरियल रिक्विस्टिक्स ऑफ वेलबींग मतलब होता है कि रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए वो क्या क्या करता है, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दिन भर में कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है, कितना बचाता है, उन सब एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। इन्होंने पहले बोला कि ये साइंस क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को एक सिस्टमैटिक वे में क्या करता है, पूरा स्टडी करता है, मतलब शुरू से आखिरी तक। जैसे साइंस में हम लोग करते हैं एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़ी चीज़ तक सब कुछ क्या करना है, स्टडी करना, तो इसीलिए इसको साइंस बोला गया है। और ये आर्ट क्यों है, बिकॉज इट सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू अटेन ह्यूमन वेलफेयर। ये आर्ट इसलिए क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स अगर पढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या करता है, उसके सजेशंस भी देता है कि इनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे हर के मेरिट्स होते हैं वैसे इसके भी मेरिट्स थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या थे, डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है, इनके क्रिटिसिज्म भी है, मतलब इनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब कुछ लोगों ने इसकी बुराई की है, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ ह्यूमन साइंस नॉट ओनली अ सोशल साइंस, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि ये ह्यूमन साइंस है, ठीक है, सिर्फ सोशल साइंस नहीं है। प्रोफेसर मार्शल हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस ओनली। प्रोफेसर रॉबिन्स एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस एंड नॉट ओनली अ सोशल साइंस। जो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने क्या कर दिया था, एक इकोनॉमिक्स को सिर्फ सोशल साइंस तक, मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए और पब्लिक के वेलफेयर तक के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स हैं उन्होंने क्या किया, इसकी एक नई डेफिनेशन दी और इन्होंने बोला कि ये एक ह्यूमन साइंस भी है, ठीक है, लोगों को भी पढ़ता है और इस ये सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया था। टू कोरिलेट इकोनॉमिक्स विथ ह्यूमन वेलफेयर इज अनजस्ट, ठीक है, मतलब एक ह्यूमन इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक ह्यूमन बिहेवियर वेलफेयर से कोरिलेट करना ये अनजस्ट है, ठीक है, मतलब एक सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। एवरी एक्टिविटी मस्ट बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स वेदर इट हैज़ एनी रिलेशनशिप विथ ह्यूमन वेलफेयर और नॉट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, हर चीज़ को एक ह्यूमन वेलफेयर से, कि उनकी अच्छाई, रोटी कपड़ा मकान कैसे जुड़ सकता है, उससे जोड़ा था। लेकिन जो हमारे रॉबिन्स हैं उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए नहीं भी होती है लेकिन वो एक्टिविटी हो रही है, वो काम हो रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको काउंट नहीं करते, इसलिए ये अनजस्ट है, ठीक है, सही नहीं है। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स यह बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो बहुत ही न्यूट्रल है, ठीक है, उसका कोई भेदभाव नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मे बी गुड और बैड बट इकोनॉमिक्स हैज़ नो रिलेशनशिप विद दैम, ठीक है। उसने बोला है वो अपना उसका जो काम है वो काम करता है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक्स को, ठीक है, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, चाहे अच्छा हो तो भी वो अपना रिजल्ट देगा, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, और बैड हो तो भी वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, उसके उससे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन नैरोड, ठीक है, उन्होंने भी बताया है कि जो स्कोप है, आपने जो इकोनॉमिक्स का स्कोप दिया है वो बहुत ही नैरो दिया है, ठीक है। वेलफेयर डेफिनेशन हैज़ लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स ओनली द मटेरियल नॉर्मल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सक्लूड ऑल द नॉन मटेरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसने वही चीज़ें सिर्फ इंक्लूड की हैं जो कि इकोनॉमिक वे में हो, ठीक है, एक जो मैन जो कमाता है अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को देखा है, लेकिन इन्होंने नॉन मटेरियल आस्पेक्ट सारे छोड़ दिए, जैसे कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम या जो नॉन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से भी एक इंसान करता है वो सब इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। फिर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ प्योर और पॉजिटिव साइंस, ठीक है। वेलफेयर थ्योरी के हिसाब से क्या गया, इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस बोला गया, ठीक है, जो एक चीज़ पर्टिकुलरली चीज़ को क्या करता है, स्टडी करता है। लेकिन रॉबिन्स ने बोला है कि ये एक पॉजिटिव साइंस है, प्योर साइंस है, ठीक है, जो हर कुछ स्टडी करता है, चाहे उसके बैड आस्पेक्ट्स हो चाहे उसके गुड आस्पेक्ट्स हो, ठीक है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।